मैं सबसे पहले संत शिरोमणि संत जनू बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित संत जनू बाबा की तपोभूमि में सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और हम लोगों की शान परम श्रद्धेय बाबूजी हरनाथ सिंह जी मंच पर उपस्थित शुकाबाद नगर पालिका की चेयरमैन बहन मुमताज जी समाज सेवी के रूप में और बहुत ही पुराने दिग्गज नेता कहे जाने वाले हमारे पिता तुल्य परम श्रद्धेय श्री तुलसी सिंह बाल्मीकि जी आदरणीय यादव महासभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अवधेश जी मंच पर उपस्थित आर समाज के अध्यक्ष सिरसागंज से पुराने परम आदरणीय ओम शरण गुप्ता जी मंच पर उपस्थित हमारी बहन शशि प्रभा जी सामने बहुत ही गणमान्य व्यक्ति परम आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी श्री प्रताप सिंह जी और बहुत ही विद्वान हमारे भाई आचार्य पंडित नवीन शास्त्री जी उपस्थित रामबरेश जी रामवीर सिंह जी सामने अटेबा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं आदरणीय धर्मेंद्र जी बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं आदरणीय स्वप्न मणिपुर एवं की सम्मानित सभी टीम सिरसागंज से समाज सेविका के रूप में हमारी चारों बहनें उपस्थित सम्मानित सभी अतिथिगण और हमारे अभिभावक बंधु रॉयल कृष्णा ग्रुप के सम्मानित संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय आकाश राजा जी आशीष जी हर्ष गुप्ता जी और बहन संगीता शर्मा जो हर समय इस ग्रुप को पिंटू यादव जी सौरभ जी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए नन्हे मुन्ने प्रिय बच्चों आज मुझे रॉयल कृष्णा ग्रुप द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आकाश राजा और इनकी टीम इतने छोटी उम्र में आप कल्पना भी नहीं कर सकते ये हंसने खेलने और खाने की उम्र होती है ऐसे समय में रॉयल कृष्णा ग्रुप के संस्थापक आकाश जी ने इतना अच्छा काम सोचा कहां से ये बड़े विडंबना की बात है। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा वास्तव में जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा मैंने तो ये छोटे बच्चे जो जिस तरह से गरीब बच्चे ये पढ़ रहे हैं ये सारे दिन देखे आप विश्वास नहीं करेंगे मैं पढ़ने जाता था पैर में चप्पल भी नहीं होती थी स्वेटर तो मैंने कक्षा 9 में देखा इससे पहले मेरे पास स्वेटर ही नहीं होया करता था और इंटरमीडिएट तक तो पाजामा पहन के जाता था वो मैं गरीबी सारी देखी है मैंने। इंटरमीडिएट के बाद मेरी पढ़ाई भी अवरुद्ध हो गई पैसे के अभाव में लेकिन जिसका हौसला बुलंद होता है विषम परिस्थितियों में भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी घर की रोजी रोटी का भी सवाल था उसका भी ख्याल रखते हुए आज मैं इस मुकाम पर हूं। आदमी के अगर हौसला बुलंद हो तो कोई काम असंभव नहीं होता। जिस व्यक्ति में मैं हमेशा कहता रहता हूं ऐसे कार्यक्रमों में एक बार पंडित आचार्य जी मुझे बड़े कह रहे थे ये 7 सूत्र आप बताते हैं मैं हमेशा कहता रहता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 7 मंत्र याद कर लिए सफलता उसके पीछे पीछे घूमेगी। मस्तिष्क में शीतलता
वाणी में मधुरता, मस्तिष्क में शीतलता, वाणी में मधुरता, चेहरे पर मुस्कान, सबका सम्मान, चेहरे पर मुस्कान, सबका सम्मान, हृदय में ईश्वर का निवास, कार्य करने का जोश और दीप इच्छा शक्ति, ये सात मंत्र जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार लिए, मैं दावा करता हूं जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे निश्चित रूप से सफलता उसके कदमों पर चलेगी। ये नन्हे मन्ने बच्चे इतने शानदार तरीके से ये रॉयल कृष्णा ग्रुप पढ़ा रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैंने भी इनसे कह दिया है कि जहां भी मेरे तन मन और धन, जहां भी मेरी आवश्यकता हो, रॉयल कृष्णा ग्रुप के साथ हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इन नन्हे मन्ने बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना सीख लिया, निश्चित रूप से वो किसी भी क्षेत्र में जाए सफलता उसके कदमों को चूमेगी। माँ बाप ये कहने लगे कि बेटा हो तो मेरे जैसा, माँ बाप ये कहने लगे कि बेटी हो तो मेरी जैसी, तो समझ लेना माता पिता ने सच्चे दिल से आशीर्वाद दे दिया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, बाबू जी को बोलना है। मैं पुनः आए हुए सम्मानित अतिथिगण, मुख्य अतिथि आदरणीय बाबू जी का और सामने बैठे हुए सम्मानित सभी अतिथियों का, देवतुल्य अभिभावक बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ और अपने छात्र छात्राओं के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए और रॉयल कृष्णा ग्रुप का मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए, हौसला बुलंद करते हुए मैं अपनी बाड़ी को राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आज का जो कुशल संचालन कर रहे हैं, मैं नाम भूल ही गया, हमारे बड़े भाई कमलेश जी आ रहे, जो इस रॉयल कृष्णा ग्रुप के आदरणीय सम्मानित संरक्षक भी है, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।